जी हाँ, 29 अप्रैल दोस्तों, 29 अप्रैल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि हमारे 29 अप्रैल 2020 को हमारे पूरे दुनिया का सच में विनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी जो हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने यह मामला साफ किया है कि आखिरकार आपके 29 अप्रैल 2020 का पूरा मामला क्या है और दोस्तों क्या हमारे सच में 29 अप्रैल को हमारी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तो इसके लपेट में हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने जो यहाँ पर मामला साफ किए हैं और दोस्तों उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर क्या जानकारी दी है, इसकी सभी जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक करके बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपने YouTube पर ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वीडियो देखे होंगे जिसमें दोस्तों यह दावा किया जा रहा है कि हमारे आने वाले 29 अप्रैल 2020 को हमारे पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने यह मामला साफ कर दिया है और दोस्तों उन्होंने अपने ट्विटर पर जो यहाँ पर लिखकर मामला साफ किया है ना कि हमारे आगामी 29 अप्रैल 2020 को हमारे पूरे पृथ्वी का क्या होगा, तो इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए दोस्तों बिना देर के चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से यह बात क्लियर कर देता हूं कि हमारे 29 अप्रैल को हमारे पृथ्वी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पृथ्वी से जो एस्टेरॉयड टकराने वाला है वो हमारे पृथ्वी से तकरीबन 4 मिलियन की दूरी से गुजरेगा, जिससे दोस्तों हमारे पृथ्वी से कोई भी यहाँ पर टचिंग या कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं होगा। और दोस्तों ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर फेक यूट्यूबर है जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हमारे 29 अप्रैल 2020 को हमारे पूरे पृथ्वी का सच में विनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी जो हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने यह मामला क्लियर कर दिया है कि आगामी 29 अप्रैल 2020 को आपके पृथ्वी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका मामला सामने आने वाला है वो करीब यहाँ पर आपका 1000 पहले आपका ये मामला सामने आया था और दोस्तों फिर आपका ये मामला आपका 2020 में देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि हमारे आने वाले 29 अप्रैल 2020 को जो हमारे पृथ्वी से एस्टेरॉयड गुजरेगा वो तकरीबन आपका 4 मिलियन की दूरी से गुजरेगा, जिससे हमारे पृथ्वी से थोड़ा सा भी टचिंग नहीं होगा। आपको एक आसान और सरल भाषा में बता दिया जाए दोस्तों कि जो हमारे पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने वाला है वो तकरीबन आपका 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा और जो उसकी दूरी होगी वो तकरीबन यहाँ पर 4 मिलियन यानी कि 40 लाख दूरी से वो आपका एस्टेरॉयड गुजरेगा। और दोस्तों ऐसे में कुछ लोग ऐसे यहाँ पर फेक न्यूज फैला रहे हैं जिसमें दोस्तों यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि आगामी 29 अप्रैल 2020 को हमारे पूरे पृथ्वी का सच में विनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने अपने ट्विटर पर लिखकर यह पोस्ट कर दी है कि हमारे 29 अप्रैल 2020 को हमारे पृथ्वी को कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों इसका सबूत आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे अभिजीत मुखर्जी यानी कि हमारे नासा के वैज्ञानिक हमारे अभिजीत मुखर्जी ने यहाँ पर साफ साफ अपने ट्विटर पर यह लिख के पोस्ट कर दिए हैं कि हमारे 29 अप्रैल को जो यहाँ पर एस्टेरॉयड गुजरेगा वो तकरीबन यहाँ पर 40 लाख यानी कि 4 मिलियन की दूरी से गुजरेगा। और दोस्तों जो जो यहाँ पर YouTube पर हमारे फेक वीडियो फैला रहे हैं ना, उसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि दोस्तों आप जिसका जिसका YouTube पर वीडियो देखेंगे ना वो आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे और आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर भड़का देंगे। तो ऐसे में आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले हमारे 29 अप्रैल 2020 को हमारे पृथ्वी से जो एस्टेरॉयड गुजरेगा वो तकरीबन हमारे पृथ्वी से 4 मिलियन की दूरी से गुजरेगा, जिससे ना ही हमारी पृथ्वी टकराएगी और ना ही हमारे पृथ्वी को कुछ भी होगा। तो जान गए ना कि आखिरकार हमारे 29 अप्रैल 2020 का पूरा मामला क्या है। तो इसी खुशी के मौके पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे वाईफाई ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंदू।